नमस्कार, किसानों पर आधारित हमारा खास कार्यक्रम आप देख रहे हैं किसान उत्थान, और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि उनके कार्यकाल में हर वर्ग की चिंता की जा रही है। पिछले 8 सालों से हरियाणा ने तरक्की के नए आयाम को छुआ है, चाहे कोई किसान हो, नौकरी पेशा में हो या खुद का व्यवसाय करता हो, हरियाणा सरकार सभी के समान रूप से चिंता कर रही है। लेकिन आज हम बात करेंगे किसानों की और किसानों के हित में चलाई जा रही योजनाओं की, जिससे प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी भी हो रही है और प्रदेश का किसान खुशहाल भी हो रहा है और उसके जीवन स्तर में भी काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का किसान प्रेम किसी से छुपा नहीं है। साल 2014 में जब से हरियाणा की कमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मिली है, अन्नदाता के हित में एक के बाद एक कई फैसले लिए गए हैं, जिसका लाभ किसानों को सीधे तौर पर मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर मंच से एक ही बात हमेशा कहते नजर आए हैं कि प्रदेश के किसानों की कोई भी परेशानी सामने आएगी तो सबसे पहले मनोहर लाल उस दुविधा को दूर करेगा। इसी कड़ी में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान की शुरुआत की गई है, ताकि किसानों को उनके खेतों की मिट्टी के बारे में बताया जा सके, ताकि मिट्टी के अनुकूल फसल की पैदावार किसानों की ओर से की जा सके और ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाया जा सके। जब से प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल बने हैं, तब से प्रदेश के किसानों के लिए खुशहाली के रास्ते खोलने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। दिन रात मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसी प्रयास में रहते हैं कि प्रदेश का किसान खुशहाल हो, आत्मनिर्भर हो, किसानों की आय दोगुना हो। इसी को लेकर लगातार मंथन और चिंतन भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से लगातार किया जा रहा है। कृषि सीधे तौर पर मिट्टी से जुड़ी है। किसानों की उन्नति मिट्टी की उपजाऊ शक्ति पर निर्भर करती है। मिट्टी स्वस्थ तो किसान भी स्वस्थ। किसानों को समृद्ध बनाने और उनके कल्याणार्थ हरियाणा की मनोहर सरकार ने मिट्टी की उपजाऊ शक्ति की जाँच पर बल दिया है, ताकि किसानों को उनके खेत की मिट्टी के बारे में पता लग सके और वे उसके अनुसार अच्छी आमदनी वाली फसलों की बुआई कर सकें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि जब किसान उन्नत होगा तो समाज, प्रदेश और देश भी उन्नत होगा। किसानों का कल्याण प्रदेश की मनोहर सरकार के लिए सर्वोपरि है और राज्य सरकार हर परिस्थिति में सदैव किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई वाली सरकार निरंतर किसानों और किसानी के कल्याण के लिए नई नई पहल कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार की ओर से हर खेत स्वस्थ खेत अभियान की भी शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री ने बजट पेश करने के दौरान हर खेत स्वस्थ खेत नामक एक विशेष अभियान का ऐलान किया था। मनोहर सरकार किसानों को मृदा स्वास्थ्य के आधार पर फसलों की बिजाई के लिए प्रोत्साहित कर रही है। आपको बता दें कि पंजीकृत किसानों को फसल की बिजाई की विस्तृत जानकारी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर उपलब्ध करवाई जाएगी। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 9 लाख से ज्यादा किसानों ने पंजीकरण करवा रखा है। मैं इस वर्ष हर खेत स्वस्थ खेत नामक एक विशेष अभियान चलाने की घोषणा करता हूँ। इस अभियान में मृदा स्वास्थ्य और मृदा की गुणवत्ता के आधार पर फसल चयन की सुविधा उपलब्ध करवाने पर बल दिया जाएगा। ये मृदा स्वास्थ्य को लेकर फसलों के चयन, इनपुट्स और प्रसंस्करण और विपणन के हर स्तर पर समाधान उपलब्ध करवाने का एक प्रयास है। किसानों को मृदा स्वास्थ्य के आधार पर फसलों की बिजाई के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। पंजीकृत किसानों द्वारा फसल की बिजाई की विशेष जानकारी मेरा फसल मेरा ब्यौरा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर उपलब्ध करवाई जाएगी। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 9.14 लाख किसानों ने पंजीकरण करवाया है। अप्रैल 2021 से प्रत्येक एकड़ के मृदा नमूनों के संरक्षण और जांच का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर शुरू किया जाएगा। आगामी 3 वर्षों में राज्य के पूरे क्षेत्र को कवर किया जाएगा। किसानों को घर 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 द्वार पर मृदा जांच सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए मंडियों व सरकारी भवनों में 17 नई मोबाइल मृदा जांच प्रयोगशालाएं और 59 मिनी मृदा जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं। 14 नई मृदा जांच प्रयोगशालाओं के लिए भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और शेष मृदा जांच प्रयोगशालाओं का कार्य प्रगति पर है। किसानों और विज्ञान के विद्यार्थियों में मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के महत्व के संबंध में जागरूकता बढ़ाने, विज्ञान के विद्यार्थियों को मृदा व पानी के नमूनों की जांच तथा उन्हें एक उद्यमी के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने की पहल की गई है। पहले चरण में वर्ष 2020-21 के दौरान मृदा जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु कुल 115 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों
और महाविद्यालयों का चयन किया गया है। 21-22 के दौरान स्कूलों, कॉलेजों, तकनीकी विश्वविद्यालयों संस्थानों में लगभग 125 मृदा जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। इससे एक ओर तो किसानों को लाभ होगा और दूसरी ओर विद्यार्थियों को अर्न वाइल यू लर्न स्कीम के माध्यम से एक अनूठा अवसर मिलेगा। कृषि एवं बागवानी विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में अनिवार्य होगा कि वे क्षेत्रीय गतिविधियों के साथ जुड़ें। क्षारीय लवणीय मृदा के उपचार हेतु योजना में किसानों की भागीदारी के लिए एक नया पोर्टल स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2021-22 में कम से कम 1,00,000 एकड़ भूमि सुधार का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री ने हर खेत स्वस्थ खेत अभियान चलाने के साथ साथ क्षारीय और लवणीय मृदा के उपचार हेतु योजना में किसानों की भागीदारी के लिए भी एक नया पोर्टल स्थापित करने की घोषणा की थी और 1,00,000 एकड़ भूमि का सुधार करने की बात भी कही थी। वर्ष 2021-22 के दौरान धान के अधीन क्षेत्र 2,00,000 एकड़ कम करने का लक्ष्य है। जीरो बजट खेती, कृषि को लाभकारी बनाने और उपभोक्ताओं को ताजा और प्रदूषण मुक्त कृषि उत्पाद उपलब्ध करवाने की पहल के रूप में हमारी सरकार जीरो बजट खेती, जैविक व प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। इस पद्धति में 3 वर्षों में 1,00,000 एकड़ क्षेत्र को कवर किया जाएगा। इन पद्धतियों में गौशालाओं को जोड़ा जाएगा, किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनके प्रोत्साहन के लिए उचित सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। इन पद्धतियों से उत्पादित कृषि पैदावार की बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए परीक्षण और प्रमाणीकरण के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। किसान मित्र योजना, हमारी सरकार किसान मित्र योजना नाम से एक नई योजना शुरू करने जा रही है। कृषि और किसान कल्याण विभाग की ओर से हर खेत स्वस्थ खेत मोबाइल ऐप को लॉन्च भी किया। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान के तहत हरियाणा में मृदा स्वास्थ्य की जांच तेज कर दी गई है। अभियान के तहत आगामी वर्षों में राज्य के प्रत्येक एकड़ के मृदा के सैंपल एकत्रित करके सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार किसानों को परंपरागत खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती की ओर प्रोत्साहित करने में लगे हुए हैं और समय समय पर कार्यक्रम और योजनाएं चलाकर प्रदेश के किसानों को प्राकृतिक खेती के लाभ बता रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान प्राकृतिक खेती करें, क्योंकि प्राकृतिक खेती न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक बल्कि किसानों के लिए भी अच्छी आमदनी का सौदा है। और हम जो भी प्राकृतिक खेती पर आगे आने के लिए तैयार हैं, उन सबकी देखरेख करने के लिए कृषि विभाग में एक अलग से एडिशनल डायरेक्टर इस सीधे के लिए तय करेंगे। इसका काम यही होगा कि सीधी को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन पब्लिक पार्टिसिपेशन भी जरूरी है। कुछ इस प्रकार के प्रगतिशील किसान उसमें लगे और जो नाम बताए गए हैं सीधा में काम कर रहे हैं वैज्ञानिक आगे लगे, उसके लिए भी अलग से प्राकृतिक कृषि बोर्ड, एक ये बोर्ड बनाया जाएगा। क्योंकि विषय को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत लगती है। इसके लिए आज हमने बजट भी, पहली बार ये बजट प्राकृतिक खेती का हमने लागू यानी घोषणा की है। 32 करोड़ रुपए का बजट को इसके लिए हमने घोषणा की है। प्राकृतिक खेती का जहां तक विषय है, इसको बढ़ावा देने के लिए 3 साल की उत्पादन आधारित एक योजना ये बनाई जाएगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 100 क्लस्टर, प्रति क्लस्टर 25 एकड़ इस भूमि पर इसको शुरू किया जाएगा और इस कार्यक्रम के तहत उसका प्रमाणन यानी सर्टिफिकेशन, फिर उसका ब्रांडिंग, उसकी पैकेजिंग और पहले 3 वर्ष में उत्पादन की यदि कोई हानि होती है तो उसके मुआवजे के लिए भी प्रोत्साहन राशि घोषित की जाएगी। प्रदेश में अब खेतों की मिट्टी की जांच का कार्य शुरू हो गया है। योजना के तहत चिन्हित खंडों में प्रत्येक खेत से मिट्टी के नमूने लेकर किसानों को मृदा जांच रिपोर्ट कार्ड प्रदान किया जा रहा है। कार्ड की अनुशंसा अनुसार ही किसान अपने खेतों में संतुलित मात्रा में खाद का इस्तेमाल करेंगे। इससे अनियंत्रित तरीके से खेतों में खाद फेंकने की प्रक्रिया पर रोक लगेगी। खेत में जिन पोषक तत्वों की कमी है उनकी सही मात्रा में प्रतिपूर्ति की जा सकेगी। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को जांचने के लिए हरियाणा में तेजी से काम हो रहा है। इस योजना के जरिए किसानों के खेतों से मृदा के सैंपल लेकर उनकी जांच की जा रही है ताकि किसानों को मिट्टी की उपजाऊ शक्ति की जानकारी मिल सके, जैसे खेत की मिट्टी में कितनी मात्रा में कौन सा पोषक तत्व उपलब्ध है और कौन सा उर्वरक कितनी मात्रा में खेतों में प्रयोग करना चाहिए। किसान उत्थान कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।